है वह कर रहे हैं। तो स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। मदन का गांव किस पहाड़ी क्षेत्र में था? मदन का गांव अल्मोड़ा के पहाड़ी क्षेत्र में था। नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना क्या नाम बताया? नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम बॉय बताया। जगदीश बाबू के व्यवहार से मदन को चोट क्यों लगी? क्योंकि जगदीश बाबू ने उसके अपनत्व पर प्रहार किया था। दूसरा प्रश्न है, सविस्तार उत्तर दीजिए। उसमें पहला प्रश्न है, जगदीश बाबू को पहले पहले नए शहर आकर कैसा लगता था? आंसर, जगदीश बाबू अपने गांव से बहुत दूर के शहर में आए थे। वे अकेले थे। यहाँ का वातावरण उनके गांव के वातावरण से बिल्कुल भिन्न था। गांव में यहाँ के चौक जैसी चहल पहल नहीं थी, वहाँ कैफे के जैसा शोरगुल नहीं था। उन्हें लगता था जैसे वे अपनेपन की सीमा से बहुत दूर आ गए। इस तरह जगदीश बाबू को पहले पहले नए शहर में आकर बहुत अकेलापन लगता था। सेकंड, प्रारंभ में जगदीश बाबू का व्यवहार मदन के प्रति कैसा था? आंसर, कैफे में मदन से परिचय होने पर जगदीश बाबू इस नए शहर में अपना अकेलापन भूल गए थे। दो चार दिनों में मदन उन्हें दाजू कहकर पुकारता और वे भी उससे स्नेह से पेश आते। उन दोनों में मौसम संबंधी बातें होती। मदन उनसे उनके कम खाने की शिकायत करता। मदन को वे अपने दाजू जैसे ही लगते थे। इस तरह प्रारंभ में जगदीश बाबू का मदन के प्रति व्यवहार बहुत स्नेहपूर्ण और अपनत्व से पूर्ण था। थर्ड, जगदीश बाबू ने मदन को दाजू कहने पर क्यों डांटा? आंसर, आरंभ में मदन को अपने क्षेत्र का लड़का समझकर जगदीश बाबू को बहुत अच्छा लगा था। वह उन्हें दाजू कहकर संबोधित करता था। लेकिन आखिरकार मदन कैफे का एक बॉय था, जबकि जगदीश बाबू मध्यम वर्ग के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। मदन कैफे में सबके सामने उन्हें दाजू कहता था। यह जगदीश बाबू को पसंद नहीं आया। इससे उनकी प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचता था। इसलिए उन्होंने दाजू कहने पर मदन को डांटा। फोर्थ, दाजू कहानी में बाल मन की संवेदना का मार्मिक चित्रण करते हुए समझाइए। आंसर, दाजू कहानी का मुख्य पात्र मदन 9-10 वर्ष का बाल मजदूर है। कैफे में आए जगदीश बाबू से परिचय होने पर उसे बहुत खुशी हुई थी। वे उसके गांव के पड़ोसी गांव के थे, जहां बड़े भाई को दाजू कहते हैं। कोमल मन के मदन को ऐसा लगा था जैसे उसे उसका बड़ा भाई ही मिल गया। दोनों के संबंध में बड़ी निकटता आ गई थी। लेकिन एक दिन दाजू कहने पर जब जगदीश बाबू ने उसे डांटा, तो उसके कोमल मन पर गहरी चोट लगी। जिसे वह बड़ा भाई मानता था, उसका बुरी तरह डांटना वह सहन न कर सका। मैनेजर से सिर दर्द का बहाना करके वह सिसकिया भर भर के रोया। इसके बाद जगदीश बाबू उसके दाजू नहीं रहे, वह उनके लिए सिर्फ बॉय रह गया। शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। फर्स्ट, किसी का साथ न होना निशंक, बिना किसी प्रयास के अनायास। लोगों के आने जाने की ध्वनि झनरव,
जहाँ कोई ना हो ऐसा स्थान निर्जन। विरुद्धार्थी शब्द बताइए। थोड़ा बहुत, चंचल स्थिर, सामने पीछे, अपना पराया, दूर निकट, स्मृति विस्मृति। वाक्य में से भाववाचक संज्ञा बताइए। उसके चेहरे से एकांकीपन की स्याही दूर हो गई, तो एकांकीपन। जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमतमा गया, तो क्रोध। अचानक उसकी भेंट बचपन के सहपाठी हेमंत से हो गई, तो बचपन।